ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन। बच्चों प्रीवियस वीडियो में आपने इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ा और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था प्रिपरेशन कैसे किया जाता है सॉइल का, ये डिटेल में सीखा। ठीक है, अब इस वाली वीडियो में हम लोग जो तीन पॉइंट्स हैं, पॉइंट टू से लेकर के पॉइंट फोर तक, सोइंग हो गया, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर या फिर इरीगेशन, इन तीनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद की वीडियो में जो लास्ट के तीन पॉइंट बच जाएंगे उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और फिर जो लास्ट वीडियो रहेगा हमारा इस चैप्टर का उसमें मैं आपको आपके नोट्स कंप्लीट करा दूंगा, यानी कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और बाकी सभी वीडियोस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सोइंग से हम समझते हैं कि सोइंग आखिर होता क्या है और उसे कैसे किया जाता है। 1.4 सोइंग। सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। यानी कि जो सोइंग होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी कभी भी फसल को लगाने के लिए। यानी कि देखो मेन क्या होता है, वैसे तो ये जितने भी यहाँ पर आपको सिक्स पॉइंट दिए गए ना, सेवन पॉइंट्स, वो सभी इंपॉर्टेंट है किसी भी फसल को लगाने के लिए, लेकिन सोइंग भी उसमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोइंग का मतलब क्या होता है कि जो बीज होते हैं ना उनको जमीन में बुआई करना, उनको बोना ही सोइंग कहलाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो अब अगर आप बीज ही नहीं डालोगे जमीन में तो वो वहाँ पर फसल कैसे होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया यहाँ पर। ओके, और जब बीज डाला जा रहा है तो बीज की भी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी रहेगी तो ज़्यादा वहाँ पर क्रॉप होगा, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्रॉप कम हो जाएगा। इसलिए किसानों को अच्छी क्वालिटी की बीज ही लेनी चाहिए। अब देखो क्या हो रहा है कि सीड को सिलेक्ट कैसे करते हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी का सीड है ये पता कैसे लगाते हैं। तो वन डे, पहली के बाद दिमाग के पहली क्या बता रही है कि वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम्स सीड इन वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। यानी कि पहली ने देखा कि एक दिन उनकी माँ क्या करती हैं, एक बर्तन लेती हैं, उसमें कुछ ग्राम्स यानी कि चने के जो बीज हैं वो डाल देती है, चने डाल देती हैं, और उसको फिर पानी से भर देती हैं। कुछ देर बाद क्या देखती हैं कि जो कुछ चने जो उसमें बहुत सारे उन्होंने चना डाला था, बहुत सारे ग्राम डाले थे, तो कुछ जो ग्राम्स हैं वो ऊपर तैरने लगे, फ्लोट करने लगे, और बहुत सारे नीचे जब बैठ गए अच्छे से, पानी के नीचे दब गए। ठीक है, तो वो सोचती है कि आखिर ये कुछ जो बीज हैं वो भी तो चने के ही हैं, लेकिन वो फ्लोट क्यों कर रहे हैं। तो देखो वो फ्लोट क्यों करता है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप रीड करोगे इसे, एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी भी दिया गया कि एक बीकर ले लीजिए, उसमें आप वाटर भर दीजिए, है ना, कुछ उसमें आप गेहूँ डाल दीजिए, और उसमें आप थोड़ी देर के लिए देखिए कि क्या होता है। तो आप क्या देखोगे ना कि जो कुछ गेहूँ क्या होंगे वो आपको ऊपर तैरते हुए दिख जाएंगे। तो जो सीड होता है वो क्या हो जाता है, अगर सड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर खोखला है ना, मान लो अगर उसमें कीड़ा वगैरह लग गया, घुन वगैरह लग गया, तो उसको खोखला कर देता है अंदर से, है ना, खाली कर देता है। उस वजह से वो सीड क्या होता है, ऊपर तैरने लगता है। और ये बहुत ही बेस्ट तरीका है ये पता लगाने का कि कौन सा बीज अच्छा है कौन सा खराब है। जो खराब रहेगा वो ऊपर तैरने लगेगा, और जो अच्छा रहेगा मजबूत वो नीचे रह जाएगा। ये क्लियर हुआ। इसीलिए जो पहली की मम्मी ने जब चने को डाला था ना, तो कुछ चने ऊपर तैरने लगे थे। आप भी जब घर में देखना, आपके मम्मी पापा कभी भी चने अगर फुलाएंगे तो देखना कुछ ना कुछ चने उसमें ऊपर तैरने लगेंगे। तो समझ जाना कि जो ऊपर तैर रहा है वो क्या है, सड़ा हुआ चना है। यानी कि सड़ा आप कह सकते हैं, उसके अंदर खोखला हो गया है, उसको कीड़ों ने खा गया है। इस तरीके से यहाँ पर हमको पता चल जाता है कि कैसे हम आसानी से अच्छे सीड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखो कि सोइंग के जो ट्रेडिशनल टूल होते हैं, ठीक है, सोइंग करना है तो हाथ से तो सोइंग करने में बहुत मेहनत लगता है, तो कुछ टूल्स का यूज़ किया जाएगा। अगर बहुत लंबे चौड़े इलाके में अगर हमको क्रॉप प्रोडक्शन करना है, एग्रीकल्चर करना है, तो हमको सोइंग के लिए कुछ टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा बीजों को बोने के लिए। तो देखो ट्रेडिशनल टूल कौन से हैं, तो द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इन शेप लाइक अ फनल, फिगर 1.2। देखो इस तरीके का एक टूल होता है जो आपको 1.2 में दिख रहा है, फनल की तरह, इसमें बीज डाल दिया जाता है, और जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं तो वो बीज भी धीरे धीरे क्या होता है, ज़मीन में गिरता चला जाता है। नीचे वो फनल क्या होता है, पैक होता है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, बीज नीचे गिरता है। तो इस तरीके से भी सोइंग किया जाता है, लेकिन ये पहले किया जाता था, अब ऐसा नहीं किया जाता। इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और इसमें ना बीज अच्छे से ज़मीन में जा भी नहीं पाते, लेकिन पहले ज़माने में ऐसे किया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि मॉडर्न टाइम पे कुछ इस तरीके से आ गया, ए सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है, यानी कि सीड को ज़मीन में ड्रिल करने के लिए एक मशीन आती है। Nowadays the seed drill figure 1.2 is used for sowing with the help of tractor। यानी ये जो हमारा ये ट्रैक्टर के हेल्प से इसमें हम लोग सीड डाल देते हैं और फिर ये फिर पूरे ज़मीन में उसको देखो पुट कर देता है। कैसे पुट करता है, दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। यानी कि दूर दूर में एकदम करेगा अच्छे से, है ना, यानी कि अगर आप 1 मीटर उसको टाइम दियो कि 1 मीटर की दूरी पर करें, वैसे 1 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मान लो कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की दूरी दूरी पर ही वो क्या करेगा, ड्रिल करेगा, और वहाँ पर सीड को वो बोगा, और उसके अलावा वो जमीन के एकदम अच्छे से अंदर डाल देता है। यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा अंदर भी सीड को भी नहीं डाला जाता है, ऊपर में ही रखते हैं, लेकिन इतना कर देता है कि उसको मिट्टी से ढक दिया जाए,
ताकि मिट्टी से ढका रहेगा तो फिर उसको कोई चिड़िया वगैरह चुग भी नहीं सकेगी। उसके अलावा अगर मिट्टी से ढका हुआ है तो अच्छे से फिर वो फर्टिलाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीड ड्रिल का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है आजकल, ये ट्रैक्टर में लगा करके किया जाता है, ओके, इससे टाइम बचता है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, बुझो कि देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेयर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, यानी कि ये बुझो ने देखा है अपने स्कूल के पास कि एक नर्सरी है, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स ना प्लास्टिक के बैग्स टाइप से छोटे छोटे बैग्स होते हैं उनमें पैक रहते हैं। आप भी देखोगे बहुत सारी नर्सरीज में इसी तरीके से पैक रहते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्या है, तो देखो पहली बताती है कि सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रो इन अ नर्सरी, व्हेन दे ग्रो इन टू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड है ना ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली, सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। यानी कि देखो जैसे कि जो धान वगैरह की फसल होते हैं ना, तो उनके बीज को क्या किया जाता है, पहले तो नर्सरी में उगाया जाता है और जब वो थोड़े छोटे छोटे पौधों के रूप में आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि सीडलिंग जब वो बन जाते हैं तब फिर उनको खेत में भेज दिया जाता है, वहाँ पर उसे फिर हाथ से ही पुट किया जाता है। देखना बहुत सारे आप लोगों को देखना जब धान की फसल लगाई जाती है ना, तो हाथ से ही उसको ज़मीन में बोया जाता है, उसमें एक पतला पतला घास की तरह आपको दिखेगा उसको ज़मीन में बोते हैं और फिर वो धीरे धीरे धान का फसल बनता है, ठीक है, पैडी बनता है। अब देखो appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants, this allow plants to get कहाँ गया ये रहा सफिशियंट सनलाइट न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। यानी कि अगर दूर दूर में अगर आप प्लांट को नहीं लगाओगे तो उससे दिक्कत क्या होगा कि उसको अच्छे से सनलाइट नहीं मिलेगा, एक दूसरे को प्लांट ढक देंगे, है ना, एक दूसरे का जो वाटर है वो चोरी कर लेंगे एक तरह से आप कह सकते हो। यानी कि उनको अगर आप ज़्यादा पास पास में लगा दोगे तो भी नुकसान है, इसलिए थोड़े दूर दूर में ही लगाया जाता है। अगर कुछ प्लांट ज़्यादा पास में लग जाते हैं गलती से सीड वगैरह की वजह से तो उनको फिर वहाँ से निकाल भी दिया जाता है ताकि जो दूसरे प्लांट से उनको नुकसान ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट को थोड़े दूर में लगाना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 1.5 हमारा जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि जो हम लोग जमीन में मैन्यूर डालते हैं और फर्टिलाइजर डालते हैं, मैन्यूर अलग होता है फर्टिलाइजर अलग होता है, इसके बारे में आप आगे चल करके है ना इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी जानोगे, ओके। तो पहले फिलहाल आप इतना भी डिटेल में समझो कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर होते क्या है, पहले मतलब बेसिक समझो उसके बाद फिर डिटेल करेंगे। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है और वो प्लांट्स को बहुत अच्छे से ग्रो करवा पाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैन्यूर और फर्टिलाइजर कहते हैं। अब बुझो के दिमाग में क्या आया कि आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वेयर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। यानी कि बुझो देखता है कि एक खेत में जो प्लांट्स हुए बहुत अच्छे से हुए हैं जबकि उसी के पड़ोस में दूसरे सामने में जो दूसरे खेत हैं उसमें प्लांट्स हुए थोड़े से कमज़ोर दिख रहे हैं, वीक दिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों भाई कि एक प्लांट थोड़ा मजबूत है और दूसरा प्लांट थोड़ा सा कमज़ोर है। तो अब देखो इसका वजह क्या है, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स, दिस न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लिफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, इमेजिन वाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट। यानी कि जो जमीन होता है सॉइल होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, तो जो कई जगह पर ऐसे होते हैं कि फार्मर्स कंटिन्यू एक ही फसल को बार बार लगाते जाते हैं, जैसे धान की खेती कर रहे हैं तो करते रहते हैं, उससे क्या होता है कि जमीन में जो भी न्यूट्रिएंट है वो तो खत्म हो गई ना, प्लांट तो उसका यूज़ करेंगे ही, तो धीरे धीरे करके वो जितने भी न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो और उनको कभी भी वो क्या करते हैं, प्लांट को अनकल्टिवेटेड या और फॉलो नहीं करते, यानी कि उसका मतलब कि उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ते, हमेशा कुछ ना कुछ फसल लगाते हैं, तो इससे भी नुकसान है कंटिन्यू फसल लगाने से। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कंटिन्यूस है ना कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड टू रिप्लेनाइज द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग, इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। यानी कि जब बहुत ज़्यादा बार बार एक ही फसल लगाया जाता है तो जो जमीन की ताकत है ना मेन न्यूट्रिएंट जो उसके हैं वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो फार्मर फिर क्या करते हैं उसके ऊपर फिर मैन्यूर वगैरह डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं ताकि उसका थोड़ा सा पावर और ज़्यादा आ जाए। खाद डालने से पावर आता है, वो आगे आप समझोगे क्यों आता है, क्योंकि खाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो न्यूट्रिएंट जिनके बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्यूरिंग कहते हैं। अब देखो मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेंड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट
फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पीट्स एट ओपन प्लेसेस एंड ऑलो टू इट डिकम्पोज. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द डिकम्पोज मैटर इज यूज एन ऑर्गेनिक मैन्यूर. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कम्पोजिशन एंड कम्पोजिटिंग इन क्लास सिक्स. यानी कि जो मैन्यूर होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. ऑर्गेनिक बोले तो कि जो प्लांट्स के जो वेस्ट हैं या एनिमल का जो वेस्ट है जैसे गोबर वगैरह है ना, तो वो सभी को मिला करके उनको सड़ा जला करके क्या किया जाता है, एक खाद बनाया जाता है. फील्ड में ही कहीं पर खुले जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें उन सभी को डाला जाता है जिसमें वो धीरे धीरे सड़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से और फिर वो खाद बन जाते हैं. ठीक है, उसको फिर प्लांट में क्या करते हैं जो किसान है वो यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए ज़मीन की. ठीक है, आपने क्लास सिक्स में पहले भी वर्मी कंपोजिटिंग के बारे में पढ़ा है. वर्मी कंपोजिटिंग वही होता है जो जोंक वगैरह से बहुत सारे खाद बनाए जाते हैं, ये आपने क्लास सिक्स में पहले पढ़ रखा है. ओके, तो आइए अब इसके आगे रीड करते हैं. एक्टिविटी एक दिया हुआ है हमको कि यहाँ पर देखो एक्टिविटी मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज समझा देता हूँ. रीड करने बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लग जा रहा है, वीडियो लेंथी हो जा रहा है, तो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ. क्या करना है ना कि तीन आपको कप ले लेने हैं, सेम टाइप का बीज लेना है. ठीक है, अब तीनों कप में आपको क्या करना है, जो मिट्टी लोगे आप ना तो उसमें आप ये पहला वाला जो हमारा कप दिख रहा है आपको उसमें आप क्या करना, नेचुरल जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है जिसको हम लोग खाद बोलते हैं वो डालना. बी वाले में आप फर्टिलाइज़र वगैरह डालना, यूरिया जिसको, फर्टिलाइज़र बहुत सारे होते हैं. फर्टिलाइज़र आप ना जब दुकान में जाओगे ना देखना बहुत सारे खाद वहाँ पर रहते हैं, वो केमिकल से बने हुए रहते हैं. ठीक है, उसके बारे में अभी आप पढ़ोगे डिटेल में फर्टिलाइज़र के बारे में. जैसे मैन्यूर के बारे में आपने पढ़ा वैसे फर्टिलाइज़र के बारे में दिया हुआ है. तो सिंपल आप समझो कि बी वाले में फर्टिलाइज़र डालना है और सी वाले में कुछ नहीं डालना, नॉर्मल रखना है. तो जब कुछ दिनों के बाद आप देखोगे है ना, पानी वगैरह डेली डालना उसमें, तो इसमें आप कुछ दिन बाद देखना कि जो प्लांट जो हमारा कप ए था जिसमें आपने ऑर्गेनिक खाद वगैरह डाला था, मैन्यूर डाला था, उसमें आपको कुछ इस तरीके का प्लांट दिखेंगे. ठीक है, बी वाले में आपको यहाँ पर आपको इस तरीके का प्लांट दिखेगा यानी कि ज़्यादा दिखेगा, और सी वाले में बहुत कम दिखेगा. इससे हमको पता क्या चलता है, जो हम लोग ऑर्गेनिक नहीं डालते यानी केमिकल वगैरह जो हम लोग डालते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं, यूरिया वगैरह, तो बहुत ज़्यादा हमारा फसल अच्छा होता है. उसी तरीके से अगर हम लोग नॉर्मल डालते हैं खाद वगैरह तो थोड़ा सा फसल कम होता है, और अगर हम कुछ नहीं डालेंगे तो फसल जो होगा हमारा क्रॉप जो होगा बहुत कम हो जाएगा. इस तरीके से कुछ टॉपिक्स यहाँ पर दिए जाएंगे आपको, यानी कि एक्टिविटी दिया हुआ है, ये आप करके देख सकते हैं. यहाँ पर वही पूछा गया है कि क्या प्लांट्स वगैरह किस में अच्छे होते हैं. तो अब देखो फर्टिलाइजर वगैरह रीड करो. फर्टिलाइजर आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एकदम एक केमिकल होते हैं जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन ये अब मैन्यूर से अलग कैसे हैं. तो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज. सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, एमोनियम सल्फेट है ना, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो इस ये सब क्या हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जिनको ज़मीन में डालने से फसल जो होती है बहुत अच्छी होती है. द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज. बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. यानी कि देखो ये तो आपने देखा अभी कि अगर हमने यहाँ पर फर्टिलाइजर यूज़ किया तो बहुत अच्छा से फसल हुआ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर भी यूज़ करोगे तो चूंकि वो केमिकल है तो वो नुकसान भी करेगा, वो ज़मीन के जो पावर है ना न्यूट्रिएंट की एनर्जी जो है उसको वो कम कर देगा. ठीक है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा खाद यूज़ करने से वो वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है. वाटर पोल्यूशन कैसे होता है इसके बारे में आगे आप डिटेल में समझोगे, मैं सिंपल आपको इतना समझा देता हूँ कि बहुत ज़्यादा जैसे आप केमिकल अगर ज़मीन खेत में डाल रहे हो तो पानी आएगा तो वही केमिकल बह करके नदियों में जाएगा और वहाँ पर वो केमिकल फिर हमारे घरों में आएगा पीने के लिए. तो एक तरह से क्या हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ ना. तो बस यही सिंपल तरीका है. उसके आगे और डिटेल में आप फिर बाद में समझोगे, जब वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग तो मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊंगा. ठीक है, आगे चलते हैं. अब कहाँ गए, अब ये कहाँ तक पढ़े थे, वाटर पोल्यूशन. हाँ, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्यूर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स. यानी कि हमको अगर ज़मीन को अच्छे से रखना है ना, यूज़ बार बार करना है, तो क्या करो आप कि ज़मीन को फर्टिलाइजर के साथ साथ मैन्यूर का भी, जो ऑर्गेनिक खाद वगैरह हैं उनका भी यूज़ करो आप. उसके अलावा दो क्रॉप के बाद ज़मीन को थोड़ा सा खाली भी छोड़ो, उसको भी सांस लेने का टाइम तो कंटिन्यू उसमें अगर आप फसल लगाओगे तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, यानी कि उसके जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट है वो कम हो जाएंगे. ठीक है, द यूज़ ऑफ मैन्यूर इंप्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. इट रिप्लेसेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट. अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन. यानी कि ये तो आपने समझ लिया कि ज़मीन के जब उर्वरक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, ज़मीन में जो फसल लगाने की क्षमता है यानी वो जो सॉइल की एनर्जी है जब वो कम हो जाती है, तो दो तरीका आपने समझा. एक तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, मैन्यूर यूज़ कर सकते हैं ताकि उसकी एनर्जी दोबारा वापस आ जाए. तीसरा एक तरीका और क्या होता है, क्रॉप रोटेशन का होता है. अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है ये देखो. अब यहाँ पर दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली.
अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेजुमिनस लेजुमेस एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन. दिस हेल्प इन द रिप्लेसनाइज ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन. फार्मर आर बींग इनकरेज टू एडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. यानी कि नॉर्थ इंडिया में क्या किया जाता था कि एक अगर एक सीजन में उन्होंने फलीदार पौधे लगाए, लेज्यूम्स का मतलब होता है फलीदार पौधे जिसमें ना नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ज़मीन में नाइट्रोजन को वो खींचता है एक तरह से कह लो आप राइजोबियम की हेल्प से. तो जो लेज्यूमस पौधे होते हैं फलीदार, एक सीजन वो लगाए तो दूसरे में फिर वो क्या करते हैं वीट वगैरह लगा देते हैं, पैडी वगैरह लगा देते हैं. तो इससे क्या होता है ना कि ज़मीन की जो एनर्जी रहती है वो बची हुई रहती है. अगर एक ही टाइप का सेम पौधा बार बार लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम करता है. तो इस तरीके से आप अलग अलग बदल बदल के भी रोटेट करके क्रॉप को लगाओगे तो भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. दीज आर प्रेजेंट इन द नूडल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेजुमिनियस प्लांट्स. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. यानी कि प्रीवियस क्लासेस में आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा है जो क्या करता है कि बैक्टीरिया, वो एक तरह का बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना उसको खींच करके मिट्टी को देता है. और वो मिट्टी की जो जड़ें हैं वो कहाँ से देता है, तो वो जो फलीदार पौधे होते हैं जैसे मूँगफली हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, इन सभी के जड़ में ले जा करके वो पहुँचाता है. उससे क्या होता है ना कि मिट्टी की जो क्षमता है नाइट्रोजन वाली वो बची हुई रहती है. इसीलिए हमको फलीदार पौधे भी जमीन में जरूर लगाने चाहिए. अब देखो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर और मैन्यूर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है. तो पहला जो हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. फर्टिलाइजर जो होता है मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक है ये, ठीक है. और मैन्यूर क्या होता है, तो मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक एंड प्लांट रेजिड्यूज. यानी कि जो मैन्यूर होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कहाँ से हमको मिलता है, तो वो हमको गाय के गोबर, कैटल डंक का मतलब होता है भाई पशुओं के जो भी है ना गंदगी है गोबर वगैरह है उससे, और उसके अलावा जो प्लांट सड़ गल गए हैं उनको सड़ा करके डिकम्पोज करके बनाया जाता है मैन्यूर को, ठीक है. दूसरा पॉइंट है कि फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनता है जबकि मैन्यूर जो होता है वो फील्ड में बनता है, ठीक है. फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस. फर्टिलाइजर ह्यूमस नहीं देता है मिट्टी को. ह्यूमस क्या होता है, तो ये जो खाद होते हैं ना मैन्यूर वाले खाद, ये मिट्टी में आप देखना कि ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा एक कर देते हैं, उससे ना अच्छा जो भी हमारा ज़मीन है उसमें क्या बोल सकते हो आप कि जो प्रोडक्शन होता है फील्ड में, या फिर आप उसका कह लो एनर्जी जो बचता है, ठीक है. ह्यूमस में क्या होता है मेन कि जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो उससे कंटिन्यूज करने से उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, जबकि अगर हम लोग मैन्यूर यूज़ करेंगे तो वो ह्यूमस देगा मिट्टी को. और ह्यूमस क्या करता है कि कभी भी उसके कमज़ोर होने नहीं देता है मिट्टी को, ठीक है. वो नेचुरल चीज़ है, वो मिट्टी की जो एनर्जी है उसको कभी कम होने नहीं देगा, ओके. तो ये सिंपल लैंग्वेज में समझाया. आगे देखो फोर्थ पॉइंट क्या है कि फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. यानी कि जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, तो फर्टिलाइजर में ये सब बहुत ज़्यादा होती है, जबकि मैन्यूर में अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में, क्लियर. तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक होता है कंप्लीट है. अब आते हैं हम लोग की एडवांटेज क्या है मैन्यूर के यूज़ का. तो मैन्यूर क्या करता है कि इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. यानी कि जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर को अपने अंदर रखने की कैपेसिटी है, वो इसको बढ़ाता है जो मैन्यूर है, ठीक है. इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी. यानी कि ये जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा भुरभुरा टाइप से कर देता है, पोरस टाइप से कर देता है, जिससे उसमें जो एक्सचेंज होगा ना गैस का, नाइट्रोजन वगैरह, वो ईजिली होगा, ठीक है. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. और अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स ना डाल करके अगर हम लोग मैन्यूर डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, तो वो जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं जैसे कि राइजोबियम वगैरह, उसको भी ये इंक्रीज करता है. इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ठीक है. ये जो मिट्टी में जो गठन वगैरह पड़ जाते हैं उसको भी सुधारने का काम करता है. ये हो गया हमारा 1.5. अब आइए हम लोग रीड करते हैं 1.6. थोड़ा सा मैं वाटर ले लेता हूँ. तो चलिए अब हमने वाटर ले लिया, अब हम पढ़ते हैं कि इरिगेशन क्या होता है. यानी कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनको भी वाटर देने की जरूरत होती है, वो कैसे हम करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो प्लांट्स हो, सभी को वाटर की जरूरत होती है. वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वाटर इज एब्जॉर्ब बाई द प्लांट रूट्स एलॉन्ग विथ वाटर. मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब. यानी कि जो प्लांट्स के रूट होते हैं वाटर को लेते हैं, और वाटर के साथ साथ वो जो मिनरल्स वगैरह हैं जमीन में उनको भी अपने अंदर खींच लेते हैं वाटर के साथ साथ. प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर. यानी प्लांट्स होते हैं उनमें लगभग 90% वाटर होता है. वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. ओके, यानी कि वाटर बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज वो जर्मिनेशन होता है सीड का. यानी सीड से जो वो प्लांट बनता है उसी को जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है. तो वो ड्राई कंडीशन में, सूखे हुए कंडीशन में नहीं होता है. न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. और जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो वाटर में घुले हुए रहते हैं वो प्लांट के हर पार्ट में पहुंच सकते हैं आसानी से, ठीक है. वाटर ऑल्सो
कहाँ गया भाई, प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट, यानी कि जो वाटर रहता है वो प्लांट को फ्रॉस्ट यानी कि वही पाला वगैरह जो पड़ता है ना ठंड के टाइम पे, उससे भी बचाता है और हॉट एयर से भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल टू हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू वाटर रेगुलरली, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन, यानी कि जो वाटर का हम सप्लाई करते हैं रेगुलर इंटरवल्स में है ना जमीन में, वही इरीगेशन कहलाता है। ओके, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर इरीगेशन आप बोलो तो वही पौधों को पानी देना ही क्या कहलाएगा, इरीगेशन कहलाएगा। क्लियर है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, व्हाई इज इट सो, कुड इट टू बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। यानी कि देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो इरीगेशन होता है पौधों को यानी कि पानी देना, वो अलग अलग पौधों में अलग अलग रहता है ना, उसी तरीके से अलग अलग सीजन में अलग अलग रहता है, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग रहता है। यानी कि अगर कुछ मिट्टी कम कमजोर मिट्टी है तो वहाँ पर ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, अगर वहाँ पर मुलायम मिट्टी पहले से है तो कम पानी डालना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा ये सीजन में भी अलग अलग होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, यानी कि हर बार पौधों में पानी जो होता है अलग अलग क्यों डालना पड़ता है। तो क्या ये इंक्रीज होने की वजह से होता है इवेपोरेशन का, इवेपोरेशन मतलब आप जानते ही हो, यानी कि जो पौधों जो क्या बोलते हैं पानी जो हवा में उड़ जाता है धूप की वजह से, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, उसी को इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या इवेपोरेशन की वजह से होता है या फिर जो पौधे यूज़ करते हैं पानी का उसकी वजह से होता है, तो ये सभी कंडीशन की वजह से होता है, इसमें बहुत सारे कंडीशन यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर बुजो बोल रहा है कि आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाई, यानी कि इस बार मैंने वाटर देने के लिए एकदम बहुत ही सावधानीपूर्वक मैंने वाटर दे रहा हूँ अपने प्लांट्स को, क्योंकि पिछले सीजन क्या हुआ था गर्मी के टाइम पर उनका प्लांट सूख गया था और मर गया था। अब देखो सोर्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं, यानी कि जब हम लोग प्लांट्स में पानी डालते हैं तो कैसे कैसे डाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स, यानी बहुत सारे सोर्स यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी वाटर के आपको सोर्स बताऊंगे लगभग सभी का नाम दे दिया है। अब जो ट्रेडिशनल मेथड है वाटर का, वाटरिंग करने का है ना, इरिगेशन करने का, वो क्या है। तो वाटर इज अवेलेबल इन वेल्स है ना, लेक्स एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाई डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन है ना फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, यानी कि अलग अलग रीजन में अलग अलग जगह पर खेत में पानी पहुंचाने के लिए अलग तरीका का यूज़ किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर एक तो मोट का यूज़ किया जाता है, यानी कि भाई हाथ से खींचते हैं पानी को, उसके बाद फिर उसको बहा देते हैं, वो धीरे धीरे नाली से भरते हुए पूरे पौधों में पहुंच जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे चेन पंप का भी यूज़ किया जाता है, इससे काम और आसान हो जाता है, पानी निकलते जाता है नीचे से और वो सीधे सीधे प्लांट में यानी कि खेतों में पहुँचते चला जाता है। ठीक है, उसके अलावा ढेकली का यूज़ किया जाता है, इस तरीके से आप देखना मेरे भी नानी के घर में इस तरीके के ढेकली वगैरह होते थे, इससे पानी आसानी से कुओं से निकाला जाता है। ठीक है, और फिर एक ये वाला होता है जिसमें बैल को ऐसे बांध देते हैं, तो बैल जैसे गोल गोल घूमेगा ना अगल बगल में, इसे यहाँ पर आप देखना जब ये बैल है जो घूमते जाएगा तो यहाँ इस साइड से ये वाला, रुको ये वाला जो एरिया है ये ऑटोमेटिक भी ये भी चक्का घूमते जाएगा, और चक्का घूमेगा तो नीचे से जो पानी निकल रहा है उसको वो प्लांट्स वगैरह में ऐसे फेंकते जाएगा और प्लांट्स में पानी पहुँच जाएगा। लेकिन देखो ये जो यूजेस हैं है ना, ये जो हमारे तरीके हैं, इससे क्या होता है ना बहुत एक्स्ट्रा पानी भी पहुंच जाता है प्लांट्स में, यानी कि एक तरह से आप कह लो वेस्ट होता है पानी का। ठीक है, और एनर्जी बहुत ज़्यादा इसमें कंजम होता है। तो इसलिए अब क्या होता है कि हम लोग मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करते हैं, ये अपने ट्रेडिशनल मेथड समझिए ना, इसमें कुछ रीड करने के लिए नहीं, बस केवल पिक्चर देख करके आप समझ जाओ कि कैसे यहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है। मेन है जो मॉडर्न मेथड, ठीक है, इससे भी हो सकता है क्वेश्चन वगैरह आपके आ जाए। तो मॉडर्न मेथड में क्या होता है, दो तरीके हैं, एक तो दिया हुआ है स्प्रिंकल सिस्टम और दूसरा एक और हमको ड्रिप सिस्टम दिया हुआ है। तो स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि ये जो हमारे कुएँ वगैरह रहते हैं इसमें से पानी निकलता है मोटर से, यहाँ से पाइप से यहाँ पर पहुँचता है, और यहाँ पर जो होते हैं ना फव्वारा टाइप से लगा हुआ रहता है, जैसे हम लोग पिचकारी वगैरह खेलते हैं ना उस तरीके से, और ये गोल गोल घूमता है ऊपर में चक्री टाइप से। जब यहाँ पर पानी जब प्रेशर से पहुँचेगा तो वो फिर जैसे पानी बरसता है ना उस तरीके से पूरे पौधों में ये पानी पहुँचा देता है, जैसे पानी बारिश में जैसे बरसता है, सेम तरीके से आप इसको ना कई पार्क वगैरह में भी देखोगे इसका यूज होते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल है जहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी हुई है, या फिर आप कॉफी वगैरह के खेती में ना इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है इस तरीके से, और इसमें पानी भी कम यूज होगा क्योंकि बारिश की तरह ये बूंद बूंद फेंकेगा पानी, तो उससे क्या होगा, पानी कम यूज होगा। और जो हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड था उसमें हम लोग बाल्टी बाल्टी पानी बहाए पड़े थे, तो उससे ज्यादा पानी यूज होता है। तो ये एक स्प्रिंकल सिस्टम होता है। दूसरा जो सिस्टम है हमारा वो है ड्रिप ड्रेप है ना, देखो ये वाला एक सेकंड दिखाता हूँ,
ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि सेम उसी टाइप से रहता है, बस वहाँ पर फव्वारा लगा हुआ था ना, इसमें पाइप बिछे हुए रहते हैं और प्लांट्स में ना छोटे छोटे यहाँ पर आपको उनके प्लांट्स के जो जड़ रहते हैं, रूट्स जो होते हैं, उसके पास में होल कर दिया जाता है या फिर छोटे छोटे पाइप्स को जोड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है कि ये जो पानी जब निकलता है ना तो बूंद बूंद करके एकदम प्लांट्स के ड्रॉप ड्रॉप, मतलब कि बूंद बूंद तो नहीं, थोड़ा सा तेज़ ही रहेगा लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा भी तेज़ नहीं रहेगा कि वहाँ पर बहने लगे, धीरे धीरे करके वो प्लांट्स के रूट्स में पानी पहुँचाता है। उससे क्या होगा कि पानी इधर उधर वेस्ट बहेगा भी नहीं और जो रूट्स हैं उनको प्रॉपर पानी भी मिल जाता है। तो ये होता है ड्रिप वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये दो हमको इरिगेशन के मॉडर्न मेथड यहाँ पर दिए गए हैं, आप थोड़ा चाहो तो इसको रीड भी कर सकते हो। यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट होता है 1.6 यानी कि इरिगेशन, ये कंप्लीट हुआ, पौधों को पानी कैसे दिया जाता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर 1.7 और आगे के जो भी पॉइंट्स से कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, और उसके जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ये जो प्रोटेक्शन फ्रॉम यूड है ना, ये बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आता है बड़े नंबर्स में, तो ये आप जरूर वीडियो देखना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके सामने दो विंडो ओपन होंगे, लेफ्ट वाले में क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे, राइट वाले विंडो में क्लिक करोगे तो इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।